टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के जो पांचवा T20 इंटरनेशनल था वो मैच जीत लिया है टीम इंडिया ने। और दोस्तों ये मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ये सीरीज 4-1 से अपने झोली में कर लिया है। दोस्तों आज मैच में टीम इंडिया का फर्स्ट से लास्ट तक दबदबा था। दोस्तों आप कह सकते थे ये टीम इंडिया बी टीम था, क्योंकि आज टीम इंडिया में बहुत सारी तब्दीली किया गया प्लेइंग 11 में। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया पिछले कुछ महीनों से ये करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया का मोटो अभी फिलहाल है एशिया कप और उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वहाँ पर टीम इंडिया नस्ता नबूद हो चुके थे, पाकिस्तान भी हरा दिया था टीम इंडिया को। हाँ पाकिस्तान अच्छा खेला था लेकिन टीम इंडिया को हरा के रख दिया था। और टीम इंडिया IPL से उभरे हुए कोई भी खिलाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन दोस्तों इस बार T20 वर्ल्ड कप में वो सभी खिलाड़ी को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इस बार IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंडिया से। और IPL में अच्छा परफॉर्म करने के दौरान श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आवेश खान जैसे सभी खिलाड़ी को मौका मिला, यहाँ तक कि अर्शदीप सिंह को भी मौका मिला प्लेइंग 11 में लगातार खेलते हुए। आज जो तब्दीली किया गया उनमें रोहित शर्मा से लेकर सूर्य कुमार यादव और वहां पर रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार सभी को बिठाया गया है, क्योंकि अभी वो चयन करता सभी सोच रहे हैं कि फाइनल 11 तो बनाना है, तो खिलाकर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसे ही टीम बना लेते हैं। और उसी के चक्कर में टीम बी जैसा टीम बनाया, कोई भी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं था इस टीम में। इस टीम में अगर सीनियर खिलाड़ी कहेंगे तो सिर्फ दिनेश कार्तिक ही है, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों ऐसे आज मैच खेला जाने वाला था। दोस्तों टॉस में टीम इंडिया जीता था टॉस और जीतने के बाद लिया था बैटिंग। दोस्तों आज पूरे टीम तब्दील हो चुका है और बदल गया है पूरा प्लेइंग 11। वैसे ही ओपनर भी बदल चुका था, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जहाँ पर ओपनिंग करते थे वहाँ पर ओपनिंग किया गया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर द्वारा। दोस्तों ईशान किशन तो रेगुलरली ओपन करते ही है और श्रेयस अय्यर वन डाउन खिलाड़ी यानी 3 नंबर वाले खिलाड़ी, लेकिन ये दोनों मिलकर आज ओपन किया और ओपन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ, क्योंकि ईशान किशन को शुरुआत से देख रहे थे अच्छे फॉर्म में है और श्रेयस अय्यर तो बहुत ही अच्छा टच में लग रहा था। ऐसे ही दूसरे ओवर से चौका और छक्के का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों पांचवा ओवर में जाकर ईशान किशन अपना विकेट खो बैठते हैं। 13 बॉल में सिर्फ 11 रन बनाकर ईशान किशन आउट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर दूसरे ओवर से मार रहा था जबकि दीपक हुडा आए वन डाउन यानी 3 नंबर पे बैटिंग करने। दोस्तों यहां से दीपक हुडा और श्रेयस अय्यर का जो जोड़ी था वो जोड़ी बहुत दूर तक गया, टीम इंडिया का 50 रन, श्रेयस अय्यर का भी 50 रन पूरा हो गया। और उसके बाद चौका छक्का किस किस ने मार नहीं खाया आज, सबको ही पेला गया श्रेयस अय्यर द्वारा और दीपक हुडा द्वारा। जेसन होल्डर से लेकर ओबेड मेकॉय, ओडियन स्पिन से लेकर रबमेन पावल सभी को कूटा गया इन दोनों बैट्समैन द्वारा। और 12वें ओवर पे जाकर टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा दीपक हुडा के रूप में, तब टीम का स्कोर था 114 और दीपक हुडा का स्कोर था 25 बॉल में 38 रन। इसके बाद संजू सैमसन ज्वाइन किए श्रेयस अय्यर को, लेकिन दोस्तों अगले ओवर पे श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं अपने 40 बॉल पे 64 रन बनाकर। संजू सैमसन के साथ हार्दिक पांड्या कप्तान जोड़ देते हैं और हार्दिक पांड्या आते ही तहस नहस कर देता है वेस्ट इंडीज का बॉलिंग, लेकिन तभी 16वें ओवर पे संजू सैमसन आउट हो जाते हैं अपने निजी स्कोर 15 रन पे। उसके बाद दिनेश कार्तिक आते हैं, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या दोनों ही चौका और छक्का पे खेल रहा था और 18वें ओवर पे 158 पे 5 विकेट चला जाता है क्योंकि दिनेश कार्तिक हो जाते हैं आउट 12 रन बनाकर। और उसके बाद लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या 16 बॉल में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। और यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर था 188 पे 7 20 ओवर पे। वेस्ट इंडीज से ओडियन स्मिथ 3 विकेट लिए थे और बाकी सभी खिलाड़ी 8 के ऊपर इकोनॉमी रेट था। दोस्तों इसके बाद वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आते हैं और वेस्ट इंडीज के बैटिंग के क्या बताएं, जेसन होल्डर आज ओपनिंग करे और ब्रूक्स ओपनिंग करे। जी हाँ दोस्तों, कैल मायर्स और ब्रैंडन किम को लिया ही नहीं गया।
और दोस्तों होल्डर क्या करते हैं, पहली ओवर पे 30 सेकेंड में ही आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल लिए लिया था जेसन होल्डर के विकेट। इसके बाद ब्रूस के साथ डेवन थॉमस आते हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, पांचवें ओवर में ब्रूस भी आउट हो जाते हैं, 24 रन में हो जाता है 2 विकेट। दोस्तों इसके बाद सिमरन हेटमायर और थॉमस मिलके खेलते हैं और सिमरन हेटमायर आज दिखे बहुत अच्छे फॉर्म में, वह चौके पे चौका छक्के पे छक्का मारता गया, लेकिन वहां से विकेट धराधर गिरता भी गया। डेवन थॉमस पांचवें ओवर पे ही आउट हो जाते हैं 33-3। उसके बाद आठवें ओवर पे निकोलस पुरन भी आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 बॉल में 3 रन बनाए थे आज निकोलस पुरन। रॉबमैन पावल इसके बाद आते हैं, लेकिन दोस्तों रॉबमैन पावल भी क्या करे, वो भी कुछ ही देर में आउट हो जाते हैं 12वें ओवर पे। केमो पॉल आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर पे सिमरन हेटमायर खड़ा था, उसका हाफ सेंचुरी हो चुका था। और इधर से डोमिनिक डेस वे आए गए 1 रन बनाकर, ओडेन स्मिथ 0 रन बनाकर आउट हुए। और इसी बीच 16वें ओवर पे जो अकेला होप था टीम वेस्ट इंडीज की, सिमरन हेटमायर, वे भी आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, सिमरन हेटमायर ने अच्छा रन किया था, 35 बॉल में 56 रन, लेकिन अकेले के रन से क्या होगा, अगर सभी खिलाड़ी 0 और 1 रन बनाए तो ऐसा कैसे चलेगा। तो 16वें ओवर पे सिमरन हेटमायर आउट हो जाते हैं, 9वां विकेट गिरता है और लास्ट विकेट में उबेद मेकॉय वो करते क्या करे, सिक्सर मारेगा, चौका मारेगा। दोस्तों वो बॉलिंग पे भी इतना पीटा, बैटिंग में कहाँ पीटेगा, वो खुद ही पीटकर वो भी 0 रन बनाकर आउट हो गया। 100 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं वेस्ट इंडीज। और इंडियन बॉलिंग के तो क्या बताएं, अक्षर पटेल 3 ओवर में सिर्फ 15 रन देके 3 विकेट, कुलदीप यादव 4 ओवर में 12 रन देके 3 विकेट, रवि बिश्नोई तो 3 ओवर कम्प्लीट ही नहीं किया था फिर भी 4 विकेट, और इकोनॉमी रेट भी मतलब क्या ही बताए, बॉलर्स लो तो सबने दिल जीत लिया और मैच जीता दिया। और इसके बाद टीम इंडिया ने उठा लिया था चैंपियंस की ट्रॉफी, प्लेयर ऑफ द मैच बने अक्षर पटेल क्योंकि उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अर्शदीप सिंह। दोस्तों ये 5 मैच का जो सीरीज था T20 इंटरनेशनल, वो 4 मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर लिया था। दोस्तों इसके बाद है जिम्बाब्वे सीरीज, वहाँ पर तो जानते ही है क्या होने वाला है, दोस्तों उसका भी कवरेज और हाईलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके 3 मिनट कमेंट का।